अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मीर अकेडमी। फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि सर पास्ट पेपर चाहिए एसएससी के, और बुक भी आप हमें रिकमेंड करें कि कौन सा अच्छा बुक है जिससे हम बहुत ईजिली तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी वीडियो में आपको 2016 का पास्ट पेपर भी दिखाऊंगा जो एसएससी में आया था, और दूसरा ये कि लास्ट में आपको जो ना एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, और कुछ मैंने पास्ट पेपर्स भी बनाए हुए इंपॉर्टेंट्स जो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जितने मैंने टेस्ट दिए उस हिसाब से जो मेरे जहन में थे, जो इंपॉर्टेंट जितने टेस्ट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे, वो सब के वो मिक्स हैं। वो PTS के भी हैं, NTS के भी हैं, और FPSC के भी हैं, और SPSC के भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें भी मैंने बनाए कुछ नोट्स, वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई और भी किसी टेस्ट के बारे में पूछना हो या किसी तैयारी करनी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ICSB क्वालिफाइड हूँ। अगर ICSB से कोई रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि सही नज़र नहीं आएगा कि उसने पिक्चर इस तरह हिसाब से भेजी है मुझे। तो आप ये देख रहे हैं, आपने सिर्फ गेस करना है इसको, ठीक है। फिर वो आप फिर बुक से तैयारी कर सकते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो पहले वीडियो में मैंने बताए थे 2011 का जो पास्ट पेपर था वो मैंने बताए थे। अभी कोशिश करूँगा 2018 का जो लास्ट आया था वो भी पास्ट पेपर, वो भी आपको मैं दिखाऊँ कोशिश करूँगा, लेकिन ये बड़ी स्ट्रगल लगी उसके बाद ये मुझे मिला, क्योंकि ऑफिस में होते हैं तो वहाँ से मुश्किल है बड़ा निकालना, क्योंकि बहुत कम सवाल तो याद होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, फिर मतलब क्लियर नहीं होता। तो इसी टाइप का आया था। आप ये देख लें, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि 10 सवाल इंग्लिश के होते हैं, उसी हिसाब से आप ये देख लो। उसके बाद GK का जो मैंने पहले गेस करवाया था वो ये सेम है बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल पास करके भी देख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पेज, बाकी भी अभी दो को दिखा रहा हूँ पेज। आपने सिर्फ गेस करना है कि कौन कौन से किस टाइप के सवाल आए हैं, उस हिसाब से हमने आपने तैयारी करनी है, ठीक होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जितने भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड पेज है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये इस पर स्क्रीन पे जो है ना सही नहीं आएगा। ये 45 क्वेश्चन 46, आप इसको थोड़ा भी क्लियरली कर लें, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इस टाइप का पेपर था, और इसके बाद जो है ये आपने वीडियो को स्टॉप करके फिर देख पास भी करके आप वॉच कर लेना, देख लेना सही तरीके से, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपने सिर्फ गेस करना है इस पेपर को कि कौन से टाइप किस टाइप के सवाल आए थे, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल इजी तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पास कर लेना, स्टॉप कर लेना। ये लास्ट पेज है, अगर समझ ना आए तो इसको वीडियो को पास कर लेना, उसके बाद आप देख लेना किस टाइप के सवाल हैं, कौन कौन से सवाल हैं, ठीक होगा फ्रेंड्स। टेस्ट इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होती है। अच्छा, जो मैंने पास्ट पेपर बनाए वो यही है, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है, सही आ रहा है। तो आपने इसको ये थोड़ा वॉच कर लेना है, इसको भी इम्पोर्टेंट, ये भी यूज़ समझो पास्ट पेपर से, ठीक हो गया फ्रेंड्स।
ये जितने जितने इम्पोर्टेंट्स जो मेरे जहन में सवाल थे वो सारे मैंने यहाँ लिख लिए, वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मिक्स हैं, जीके भी है, करंट अफेयर भी है और पाकिस्तान स्टडीज़ भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज आ गया। ये फ्रेंड्स आपने इसको जो है ना सीरियस लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये यूँ समझो ये पास्ट ही पेपर हैं, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर तो नहीं बना सकता, बट मैंने इसको मिक्स किए हुए। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट्स, इसमें करंट अफेयर मिक्स भी है और पाकिस्तान पीएस पाकिस्तान स्टडी भी है इसमें। तो आपने ये भी याद कर लेना है आपने। इसको मैं स्लोली स्लोली दिखा रहा हूँ, अगर समझ ना आए तो फिर वीडियो को पॉज कर लेना या दोबारा वीडियो को देख लेना। ये सिर्फ 200 फर्स्ट रिटन टेस्ट के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट में रिकमेंड होते हैं जो साइकोमेट्रिक के बाद, फिर वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। शॉर्ट लिस्टेड के बाद जो है ना आपसे 3 टेस्ट लेंगे, जिसमें साइकोलॉजी भी होगी और उसके अलावा फिज़िकल भी दोबारा होगी। फिज़िकल सिर्फ रनिंग ही होगी और ऐसे भी आपसे लेंगे एक, ठीक होगा फ्रेंड्स। वो ऐसे जो है ना इंग्लिश में होगा, वो इम्पोर्टेंस में उसको बताऊंगा कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंस जो तकरीबन आते हैं टेस्ट में। जैसे जैसे आपकी ये टेस्ट होंगी उसके बाद फिर मैं आपको वही बताऊँगा ये इम्पोर्टेंस। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो आपने इसको बिल्कुल पास भी करके आप वॉच कर सकते हैं। ये बात एक बात और है कि इतनी जो टेस्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्ट इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी होती है। नेक्स्ट पेज पे मैं इसलिए जूम कर रहा हूँ क्योंकि वो सही नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर मैं ओपनली खुला थोड़ा लिख लेता तो फिर वो वीडियो तुम बहुत लंबा हो जाता तो आप बोर ही हो जाते हैं, फिर इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट बनाए, स्क्रिप्ट शॉर्ट में बनाई हुई ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। अगर मैं थोड़ा मोटा गलत एक क्वेश्चन कर लेता तो आप बहुत वीडियो लंबा हो जाता, फिर 2-3 हो जाते, फिर इसलिए मैंने बोला एक ही बना लेता हूँ ताकि फिर आपको टेंशन ना हो। ये आप जैसे जैसे ऐसे स्लो स्लो ये करते जाएंगे तो उसके बाद अभी फिज़िकल चल रही है, फिज़िकल के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तकरीबन वे ये फर्स्ट पेज था वो। अच्छा तो फ्रेंड्स जो लास्ट में मैं कह रहा था कि आपको बुक रिकमेंड करूँ, बुक्स तो काफ़ी हैं, हुज़ वर्ड्स वाट है जैसे डोगर सन्स का और इमली है या मिसल को जीके की है, कैप्सूल है, काफ़ी बुक्स हैं वो भी अच्छे हैं, सारे अच्छे बुक्स हैं। बट जो मेरी तरफ से अगर आप कहें चाहिए तो रिकमेंड करता हूँ मैं आपको
डोगर सन्स का अभी नया एडिशन आया है वो 2021 का, वो भी एस एस यू वालों का है। वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप कोई बुक लें तो फिर एस एस यू का न्यू एडिशन आया है 2021 का, आप उसी का लें, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने भी फिर टेस्ट बनाई हुई। क्वेश्चंस वही होती है, सेम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत पुलिस के बारे में, सिंध पुलिस के बारे में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको वही लेना चाहिए। मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि आप वो ले लें। ठीक हुआ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में।